छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों संग मुठभेड़ में कई नक्सली ढेर हो गए। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल मंगलवार सर्चिंग सुबह के लिए निकले थे और उनको नक्सलियों के इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई और सुबह से ही दोनों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। दंतेवाड़ा से भूलेश मिश्रा की रिपोर्ट। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर की सीमावर्ती अंड्री एवं पुरंगेल जंगल में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन की माओवादियों को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरटी एवं सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान आज दिनांक 3 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में कुल 9 माओवादियों के डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से SLR 303-315 बोर एवं अन्य आर्म्स एमिनिशन काफी बड़ी संख्या में बरामद की गई। सर्चिंग अभी भी जारी है। सुरक्षा बल सदस्य सभी सुरक्षित है। सर्चिंग अभियान पूर्ण होने पर अधिक जानकारी शेयर की जाएगी।